कुंडलियों का अगला पद है, तीसरा पद आज हम पढ़ेंगे कुंडलियों का। इसमें बच्चों गुण की विशेषता बताई गई है, गुणी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि गुणी व्यक्ति की पूछ हर जगह होती है और अवगुणों को कोई नहीं पूछता। आज के समय में रंग रूप सुंदरता का कोई महत्व नहीं है, वह नश्वर है, बदलता रहता है। आज जो सुंदर है हो सकता है कल वह खराब हो जाए, और आज जो दिखने में खराब है हो सकता है कल वह सुंदर हो जाए। वह स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, लेकिन जो गुण है बच्चों वह स्थायी होता है, वह हमेशा उसके अंदर बना रहता है। और गुणी व्यक्ति की ही पूछ होती है इस संसार में। गुणों की विशेषता के बारे में बताया गया है, आइए हम पढ़ते हैं। गुण की गाहक, गाहक मीन्स ग्राहक, कस्टमर, सहस, सहस का अर्थ होता है सहस्त्र, नर मतलब मनुष्य, बिन गुण लहे न कोई, लहे मतलब रहना, न कोई मतलब कोई भी नहीं रह सकता बिना गुण के। उदाहरण के लिए कागा मतलब कौवा और कोकिला मतलब कोयल का उदाहरण लिया गया है। शब्द सुने सब कोई, कोई मतलब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, सुहावन मतलब सुंदर लगना, अच्छा लगना। दो का अर्थ होता है दोनों, को एक रंग, काग सब भय अपावन, अपावन का अर्थ होता अपवित्र। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। ध्यान दीजिए, गुण की गाहक सहस नर, बिनु गुण लहे न कोई। यहाँ पे संसार में कवि ने गुणों की विशेषता के बारे में बताते हुए कहा है कि संसार में गुणों को पूछने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता। नर बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कौवा और कोकिले, कोकिला मतलब कौवा और कोयल देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका रंग भी एक जैसा है, पर इनका अंतर कब पता चलता है? जब ये अपने मुंह से शब्द निकालते हैं। कौवा की कर्कश भरी आवाज सुनकर सब उसे भगा देते हैं, लेकिन कोयल की मीठी आवाज सुनकर सब उसे पसंद करते हैं। शब्द सुने सब कोए, शब्द सुने सब कोए, कोकिला सबे सुहावन, कोयल सबको अच्छी लगती है, उसकी मीठी ये वाणी सबको सुंदर लगती है, पर कौवा की कर्कश आवाज सुनकर लोग उसे भगा देते हैं। तो यहाँ बच्चों कौवा की जो कर्कश आवाज है वो उसका अवगुण है, और कोयल की मीठी जो स्वर है वो उसका गुण है। लेकिन रंग दोनों का काला है, लेकिन यहाँ रंग का अंतर नहीं, यहाँ गुणों की पूछ की गई है। दो मतलब दोनों को एक रंग, काग सब भय अपावन, और दोनों का एक रंग है मैंने बता दिया। और कौवा को लोग अपवित्र भी मानते हैं, कोई भी शुभ काम कीजिए उसमें अगर कौवा का चेहरा देख लिए वो आके बैठ जाए तो उसे लोग जल्दी भगाते हैं। कह गिरधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, कवि कहते हैं हे मन के ईश्वर, बिना गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। बिना गुण के कोई भी नहीं रह सकता, और व्यक्ति की पूछ वही होगी जहां उनमें गुण होगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, संसार में गुणों के पूछने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन बिना गुण का कोई नहीं पूछता। कवि उदाहरण के लिए कौवा और कोयल को लिया है कि दोनों का रंग तो एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर उनके शब्द निकलने पे होता है। जब कौवा अपनी कर्कश भरी आवाज निकालता है तो सब उसे भगाते हैं, और कोयल जब अपनी मधुर बोली बोलती है तो सब उसे सम्मानित और प्यार करते हैं। गिरधर कवि कहते हैं कि हे संसार में गुणों मतलब ज्ञान विद्या सद्भावना सद्विचार की ही पूछ होती है, बिना गुण के कोई व्यक्ति किसी को नहीं पूछता। ठीक है बच्चों, पहले पद में लाठी की विशेषता, दूसरे पद में कंबल की, तीसरे में गुण की। सभी पदों की व्याख्या मैं समझाती जा रही हूँ, और इसकी व्याख्या मैं लिखित रूप में आपको पिक्चर अपलोड करूंगी, उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगी वैसे वैसे उस पद की व्याख्या की पिक्चर भी रहेगी। अगले पद में स्वार्थी व्यक्ति की बात की जा रही है, जो मैं अगले वीडियो में पढ़ूंगी। धन्यवाद।